जन जन की आवाज जीवन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। और जेई परीक्षा को लेकर जितना हंगामा झारखंड में मच रहा है, शायद ही अभी कोई और मुद्दा इतना गरमाया हो। बताते चले, जो झारखंड के युवा है बहुत आक्रोशित है, क्योंकि ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने इस बात की पुष्टि की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जेई परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, एक एक क्वेश्चन पेपर का दाम जो है 15 लाख 20 लाख 30 लाख, जैसे कोई टेंडर नीलाम होता है उस तरीके से क्वेश्चन पेपर की नीलामी हुई है। हमारे साथ आप जैसा हमारे विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि कितने बच्चे यहाँ पे धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं इस चीज़ को लेकर। हमारे साथ ऐसे एक बच्चे मौजूद स्टूडेंट है जिनसे हम बात करेंगे। आज जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है और जिस तरीके से 15-20 लाख, ये जो ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई टेंडर निकाला जा रहा है, बल्कि ये बहुत महत्वपूर्ण सरकारी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, जिस तरह से JSSC JEE में स्कैम हुई है, ये प्रतियोगिता परीक्षाएं कंडक्ट नहीं करा रही है, ये एक लूट का अड्डा बन गया है। यहाँ पर जो रेट है वो डिपार्टमेंट वाइज लग रही है। अगर आपको रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जानी है तो उसके लिए आपको 22 लाख देनी होगी, वाटर में जाना है तो 20 लाख देनी होगी। इस प्रकार से पैसों की लिमिट बनाई गई है, 17 से 20 लाख में सारी सीट बेच दी गई है। और सीट का इस तरह बेची गई है कि 1200 सीट वैकेंसी है, जिसमें कि 4000 लोगों को क्वेश्चन बेचा गया है। मतलब कंपटीशन जो है सेटर लोग के बीच में ही है, जो बच्चे सेटिंग कराए हैं उन्हीं के बीच कॉम्पिटिशन है। आम बच्चे जो है, जो गरीब के बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, वो कॉम्पिटिशन में आउट ऑफ रेस पहले से है। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस पर जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करें और JSSC एग्जाम को जल्द से जल्द कैंसिल करें। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी जो है आज देश के सर्वोच्च पद पर वो बैठ चुकी है, वो पार्षद से वहाँ तक का सफर तय की है, तो उनसे कितना हौसला कुछ मिल रहा है? वही आप रोड पर है और वो राष्ट्रपति पद पर। जी बिल्कुल, मैं माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि वो देश के सर्वोच्च नागरिक बनने वाली है या बन चुकी है आज 15वें राष्ट्रपति के तौर पर, और वो झारखंड के भी राज्यपाल रह चुकी है। इसलिए आज हम लोग राजभवन के सामने प्रदर्शन करने आए हुए थे, लेकिन महामहिम जो राज्यपाल सर है वो दिल्ली गए हुए शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के। तो जिस तरह से एक वो हमें हमारे रोल मॉडल है, द्रौपदी मुर्मू जी एक वार्ड काउंसलर से प्रेसिडेंट बन गई है, ठीक उसी प्रकार हम लोग भी अपने संघर्ष की लड़ रहे हैं। जो JEE का स्कैम हुआ है इसे हम लोग पर्दाफाश करेंगे। शुरू दिन से विगत 3 जुलाई से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जब से क्वेश्चन वायरल हुई है प्रशासन को सभी को सूचना दे रहे हैं। और कल देखिए गिरिडीह से पुलिस ने गिरफ्तार की है आरोपित को, और ये एग्जाम को कैंसिल होना बिल्कुल तय है। एक बात बताइए, ये कोई रिवाज बन गया क्या, सरकारी एग्जाम का नोटिफिकेशन निकलेगा फिर केस होगा फिर धरना होगा, ऐसे तो? देखिए, झारखंड में किसी भी एग्जाम हो, या JPSC के द्वारा लिया जाए या JSSC के द्वारा लिया जाए, इसके 4-5 स्टेजेस है। पहला स्टेज है कि नोटिफिकेशन निकलेगी, नोटिफिकेशन निकलने के बाद उस पर केस होगी कि इसमें इलेक्शन चाहिए या नियमावली गलत है या जो भी कुछ है। उसके बाद एग्ज़ाम जो होगी वो फ्री एंड फेयर नहीं होगी, उसके क्वेश्चन करोड़ों रुपये लाखों रुपये में बिकेगी टेंडरों द्वारा, एक एक बच्चा से 15 से 20 लाख रुपये की वसूली की जाएगी, उसके चीज़ होती है परिस्थितियों में। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, तो फिर भी हमारे पास एक होप है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं। इसको अगली बार इस्तेमाल करिएगा। मतलब किस चीज़ में? ये सरकार से खफा है आप? सरकार से बिल्कुल खफा है, इसलिए तो हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारा नैतिक और मौलिक अधिकार है। इसके साथ ही आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है बहुत सीरियस मैटर है। देखिए, झारखंड में सीरियस मैटर तो JPSC से ही बन चुका है, जब से हेमंत सोरेन का सरकार बनी है तब से। पता नहीं, वो तो पहले की नियुक्ति एकदम हंसते खेलते रद्द की है, पहले की नियमावली हंसते खेलते रद्द की है। अब बच्चों के साथ जब रोजगार देने की बात आती है तो बोलते हैं कि हम रघुवर दास का पाप नहीं ढोएंगे। जब वहाँ आती है हम बोलते हैं कि हम रघुवर दास का पाप नहीं ढोएंगे। उसके बाद नियमावली, अभी जो नियोजन नीति 10-12 जो बना है, अभी जितना भी परीक्षा होने वाली है, खासकर ये स्कैम जो चल रहा है उसके बाद अगर ये ज्वाइनिंग हो, फिर भी ये कोर्ट से निरस्त होना तय है। मतलब झारखंड में जितने भी आगामी परीक्षा हैं, जितने भी आगामी 3 लाख 3.5 लाख जो पद हैं, वो 100% प्रभावित होना है, चूँकि असंवैधानिक है। और पूरी तरह से छात्र, हमको लगता है कि जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, लगातार आंदोलन ही चलेगा। मैं सरकार से यही कहता हूँ कि आप क्या गलती किए नहीं किए वो हम भूल जाते हैं, लेकिन अभी जो गलती हो रहा है, जो नियोजन नीति में एक मैंने थोड़ा सा परिवर्तन ला के, आज जैसे शिक्षक का बहाली अभी रुका हुआ है, अभी CGL का आगामी जो 21 तारीख उन्होंने डेट दिया है उसमें भी आप ऑफलाइन मोड में ले रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो आप लोग की मांगे हैं, अगर वो पूरी नहीं होगी तो आगे क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, और हम छोड़ेंगे नहीं इसको। हम राज्यपाल से, महामहिम राष्ट्रपति से, जहाँ बोलना होगा CMO से, सब जगह अपील करेंगे। और जो भी कनीय अभियंता सेटिंग के थ्रू जाने का प्रयास कर रहे हैं उनको हम लोग ज्वाइनिंग होने नहीं देंगे, उनको मरते दम तक छोड़ेंगे नहीं हम लोग।
तो आपने देखा कि गुस्सा कितना जाना है, कह रहे हैं कि मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वाकई में जैसा हमने बार बार ये चीज अपने चैनल में दिखाया है, छात्रों के दुख तकलीफ को दिखाया है कि पूरी जवानी निकल जाती है सरकारी एग्जाम में, और इस बार तो अति का अंत हो गया, 15-20 लाख, ऐसा लग रहा मानो कोई टेंडर निकल रहा है, कुछ नीलामी हो रही है, बल्कि इतना महत्वपूर्ण एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर है उस पर अगर इस तरह का रवैया होगा तो वाकई में ये बेहद संगीन बात है। इस पर सरकार को जल्द से जल्द कोई बहुत बड़ी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अगली बार ऐसा करने की जरूरत किसी भी कर्मचारी को ना हो। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।